नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ये वीडियो उन लोगों का जवाब है, ये वीडियो उन लोगों के लिए रिप्लाई है जो लोग ये बार बार कहते हैं कि हमने न्यूरोथेरेपी कोर्स को बहुत महंगा कर रखा है, न्यूरोथेरेपी कोर्स को सीखना बड़ा महंगा है, या न्यूरोथेरेपी को सीखना बड़ा महंगा है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, उन लोगों के लिए ही ये वीडियो है, क्योंकि उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि वो एक टाइम के खाने से जो खर्चा होता है उससे कम खर्चे में आप न्यूरोथेरेपी को सीख सकते हैं। आप एक टाइम का, चाहे ब्रेकफास्ट समझ लीजिए अपना, आप लंच समझ लीजिए, डिनर समझ लीजिए, कम से कम आपका 100 रुपये से ज़्यादा खर्चा होता होगा, बिल्कुल होता होगा, आपको अपने ऊपर होता होगा। और केवल मात्र 100 रुपये रोज के खर्चे में आप हमें 100 रुपये डेली भेजिए, आप डेली हमें 100 रुपये ट्रांसफर करिए, डेली 100 रुपये ट्रांसफर करिए और न्यूरोथेरेपी का कोर्स सीख लीजिए। ये बहुत सस्ता टेक्निक है। अभी तक इतना सस्ता कर आपको न्यूरोथेरेपी को किसी ने भी नहीं बताया होगा। मात्र 100 रुपये डेली के खर्चे में आप न्यूरोथेरेपी को सीख सकते हैं। 365 दिन का हमारा आपका कनेक्शन बन सकता है। आप न्यूरोथेरेपी को बारीक से बारीक तरीके से सीख सकते हैं। 150 पॉइंट के कैसे काम करते हैं, क्या फंक्शन है, कब देना है, कब नहीं देना है, कौन सी बीमारी में कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, कौन सी बीमारी का रूट कॉज क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इन सब की जानकारी आपको 365 दिन के एक साल के कोर्स में हम देते हैं। 150 पॉइंट, 150 फॉर्मूले, 150 डिजीज और 365 दिन का कोर्स मात्र 100 रुपये डेली के खर्चे में। 100 रुपये तो ऐसे ही खर्च कर देते होंगे शायद आप, लेकिन क्या आप 2024 में डेली 100 रुपये अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए खर्च कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए है और आप 2024 में एक न्यूरोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। इस कोर्स के दौरान हम आपको बताएंगे कि लंग्स को कैसे आसानी से स्टिमुलेट कर सकते हैं। लंग्स यानी कि फेफड़े, फेफड़े यानी कि आपके ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने वाले सिस्टम, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। लंग्स अगर बीमार है तो ऑक्सीजन डाउन है, ऑक्सीजन डाउन है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन कमजोर है, ब्लड सर्कुलेशन कमजोर है तो बीमारी की शुरुआत है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहता, हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि बीमारी का मूल कारण रूट कॉज ऑफ एनी डिजीज इज लैक ऑफ सर्कुलेशन। यानी कि किसी भी बीमारी का मूल कारण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, और इस कमी को मेन रूप से कारण क्या है, आपके लंग्स हैं। अगर लंग्स प्रॉपर तरीके से हैं, लंग्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको बीमारी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जितनी लंबी गहरी सांस आप लेते हैं उतनी ही ज्यादा सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है, उतनी ही ज्यादा सेल स्टिमुलेट होती हैं, काम करती हैं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स आसानी से बाहर निकाल देता है। कहते हैं कि 1 मिनट में हम 17 श्वास लेते हैं और कछुआ 3 श्वास लेता है, उसकी उम्र 300 साल होती है, हमारी 100 साल भी मुश्किल से होती है, क्योंकि हम 1 मिनट में 15 से 16 श्वास ले रहे हैं और कछुआ 1 मिनट में मात्र 3 से 5 श्वास ले रहा है। तो आप लंग्स को स्टिमुलेट करिए। कैसे करते हैं न्यूरोथेरेपी?